What's up guys, I'm Rob. Welcome to my channel. Guys, my favorite time of the year is here. Christmas is just around the corner. और आप लोगों को पता है कि क्रिसमस मुझे बहुत पसंद है फॉर ऑब्वियस रीजंस. और नहीं पता है तो कोई भी मेरा पुराना क्रिसमस रिलेटेड वीडियो जाके देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि उसमें मैंने क्रिसमस के बारे में बहुत बात की होगी. तो आज नहीं करेंगे, आज सीधा DIY प्रोजेक्ट बनाएंगे. लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को दिखाया था कैसे हम लोग घर पे एक क्रिसमस स्टार बना सकते हैं. मैं हमेशा बोलता हूँ why buy when you can DIY. तो आज भी ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि मैं खुद घर पे यूज़ करने वाला हूँ. आज हम बनाएंगे एक क्रिसमस क्रिब जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ पेपर और कार्डबोर्ड. घर पे होगा ना, तो शुरू करें. लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा बटन देख रहे हैं ना, उस पर क्लिक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और बेल नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलना ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाए. और ये है मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल्स, आप लोग मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं. अब शुरू करते हैं. गेट रेडी, टाइम फॉर सम DIY. Why? Because I love it. All right, let's get started. तो अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा एक क्रिसमस क्रिब शैडो बॉक्स. तो शैडो बॉक्सेस मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें जो लाइट एंड शैडो का प्ले होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. तो आज के वीडियो में हम एक शैडो बॉक्स कैसे बनाते हैं उस पर फोकस करेंगे, उसकी टेक्निक और प्रोसेस पर फोकस करेंगे, ना कि जो डिज़ाइन है या ड्राइंग है उस पर. क्योंकि ये शैडो बॉक्स मैं घर पे लगाने वाला हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा इम्प्रेसिव लगे, इसलिए मेरा डिज़ाइन जो है वो काफ़ी इंट्रिकेट होगा, उसमें बहुत सारी डिटेल होगी, उसमें बहुत सारी लेयर्स होंगी. अगर आप इतना डिटेल्ड वाला शैडो बॉक्स नहीं बनाना चाहते हैं, कुछ सिंपल बनाना चाहते हैं, तो ऊपर ऐसा एक आई का बटन देख रहे ना आप, उस पर क्लिक कर दीजिए और आपको एक सिंपल शैडो बॉक्स देखने को मिल जाएगा जो मैंने पहले बनाया था क्रिसमस रिलेटेड. अभी का जो शैडो बॉक्स है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. अगर आपने क्रिसमस क्रिब देखी है तो आपको पता होगा कि उसमें क्या होता है. तो यहाँ पे तीन जो बॉक्सेस हैं उसके बीच वाले में होंगे बेबी जीसस, मेरी एंड जोसेफ, साथ वाले में होंगे शेपर्ड्स एंड शीप्स, और सबसे कोने वाले में होंगे थ्री किंग्स जो कि जीसस की बर्थ को विटनेस करने के लिए आएंगे. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा लेयर्ड है, काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेट है. अगेन, अगर आप चाहते हैं तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपको तीन बॉक्सेस नहीं बनाने हैं तो आप एक बॉक्स में ये पूरा सीन बना सकते हैं. अगर आप चाहते हैं आपको तीन लेयर्स नहीं चाहिए तो आप कम लेयर्स बना के अपना शैडो बॉक्स बना सकते हैं. मेरा कुछ ऐसा दिखेगा. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बीच वाले से. तो पहले लेयर्स की ड्रॉइंग बनाएंगे और उन्हें कट करेंगे. लेट्स डू दैट. तो यहाँ पे मैंने सारी लेयर्स को क्लीनली कट कर लिया है. एज यू कैन सी काफ़ी अच्छा दिख रहा है. मेरे पास ऑलमोस्ट 6 लेयर्स हो गई हैं. पहली लेयर पर डाला है बेबी जीसस को, उसके बाद आ गए मेरी एंड जोसेफ, उसके बाद जो मेंजर या शेड है उसको मैंने तीन लेयर में डिवाइड कर दिया है. पहली लेयर में है आउटर बीम और रूफ, उसके बाद सेकेंड लेयर में है एक डोंकी और अंदर की बीम्स, और थर्ड लेयर में बैक वॉल और विंडोज़. इससे क्या होगा, जो शेड है उसको थोड़ी डेप्थ मिलेगी. शैडो बॉक्स में क्या होता है, पीछे की लेयर्स लाइट रहती हैं और आगे आगे जो लेयर्स आती हैं वो डार्क होती जाती हैं. इससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है डेप्थ का. और उसके बाद ऊपर आ गया है स्टार. जैसे कि अभी मैं टॉर्च लाइट डाल के आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, आपको सिल्वेट्स नज़र आ रही होंगी जितनी लेयर को हमने कट किया है. हल्का हल्का नज़र आ रहा है, लेकिन शैडो बॉक्स को हम ऐसे नहीं देखेंगे. तो हमें क्या करना है, इन लेयर्स के बीच में सेपरेशन क्रिएट करनी है. तो मैं क्या करूँगा, कार्डबोर्ड की पतली स्ट्रिप्स लूँगा और इनके कॉर्नर पे चिपकाऊँगा और एक के ऊपर एक लेयर को रख के सैंडविच बना दूंगा, एक स्टैक बना दूंगा, और उसके बाद एक लाइट सोर्स इसके पीछे डालेंगे. तो उससे क्या होगा, सारी लेयर्स जो हैं वो सिल्वेट की तरह नज़र आएंगी और हर एक लेयर के बीच में एक अच्छा सा ग्लो नज़र आएगा. चलिए बनाते हैं. We'll be right back.
ऑलराइट तो यहाँ पे सारी लेयर्स को मैंने चिपका दिया है, बीच में सेपरेशन भी आ गया है, इट्स लुकिंग नाइस। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि मैंने जो ये लेयर्स कट की थी उनके अराउंड एक बॉर्डर छोड़ा था, एज यू कैन सी यहाँ पे, उन्हीं के ऊपर मैंने कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स को चिपकाया है। तो जब आप ये लेयर्स बना रहे हैं तो कीप इन माइंड कि आपको एक बॉर्डर रखना है जिससे कि इनको इस तरह से स्टैक करना ईजी हो जाता है। ये देखिए तो ये पूरा स्टैक रेडी हो गया है, अच्छी सेपरेशन भी आ रही है। एक चीज़ मैंने और की है कि यहाँ पे मैंने एक और लेयर ऐड की है स्टार में थोड़ा सा ग्लो दिखाने के लिए, और फिर एक थंबपिन लेके मैंने छोटे छोटे होल्स कर दिए इसके बैक लेयर में जहाँ से कि अब लाइट पेनिट्रेट होगी और वो छोटे छोटे स्टार्स लगेंगे और ये पूरा जो क्रिब का सीन है वो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल लगेगा। ओके, तो ये स्टेप भी रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें बाकी की लेयर्स को भी रेडी करना है, लेकिन इसमें हमें लाइट को प्लेस करने के लिए एक कैविटी बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कार्डबोर्ड की पीसेज लूँगा और इसके अराउंड एक छोटा सा बॉक्स बनाऊँगा। अब इसकी विड्थ जो है वो ऑलमोस्ट 2 inches है, तो जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है उसको हम 4 inches कर देंगे ताकि पीछे छोटी जगह रहे जहाँ पर लाइट प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए कार्डबोर्ड लाते हैं और बॉक्स बनाते हैं। और हमारा कार्डबोर्ड बॉक्स भी रेडी हो गया है, ये देखिए। और मैंने इसके अंदर हमारे लेयर्स के स्टैक को अच्छे से प्लेस कर दिया है, काफ़ी स्नग फिट है। इनफैक्ट इसको प्लेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि अच्छा टाइट फिट है, बट पीछे मैंने एक फ्लैप रखा है जिसकी हेल्प से मैं हाथ को अंदर डाल के इसे आगे पीछे पुश करके इसका अलाइनमेंट जो है परफेक्ट कर सकता हूँ। तो ये अब अच्छे से फिट हो गया है, इट्स लुकिंग नाइस। और हाँ, इसी फ्लैप की हेल्प से हम पीछे लाइट्स को इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी कैविटी है क्योंकि इसे हमने, जैसे मैंने कहा था, अराउंड 4 inches चौड़ा बनाया है। इसकी विड्थ हमने स्टैक से ज़्यादा रखी है ताकि पीछे हमें कैविटी मिल जाए। और लाइट्स को प्लेस करने के बाद आप इसे बंद कर सकते हैं और हमारा शैडो बॉक्स जो है वो इलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से बाकी के दोनों बॉक्सेस को भी बनाते हैं और हमारे क्रिसमस क्रिप शैडो बॉक्स को रेडी करते हैं। लेट्स डू इट। तो ये हमारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस रेडी हो गए हैं और उसी के साथ हमारे क्रिसमस क्रिप का सीन जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो अब मुझे इसके अंदर बस लाइट्स को प्लेस करना है और फिर हम इस शैडो बॉक्स का इफेक्ट देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम दे रही है, वो है ये कार्डबोर्ड बॉक्स की जो एजेस हैं वो थोड़ी रफ़ और अनटाइडी लग रही हैं, तो मैं उन्हें हाइड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरा प्लान है कि मैं चार्ट पेपर का एक फ्रेम बना के इसके सामने की तरफ चिपका दूंगा जिससे कि ये अनटाइडी एजेस जो हैं वो हाइड हो जाएंगी और ये थोड़ा अच्छा नज़र आएगा। तो चलिए चार्ट पेपर का फ्रेम लगाते हैं, लाइट्स को प्लेस करते हैं एंड लेट्स गेट दिस डन।
एंड वी आर डन। तो मैंने सारे बॉक्सेस के अंदर लाइट्स को प्लेस कर दिया है। बेसिकली मैंने फेरी लाइट्स लिए हैं और उनके छोटे छोटे बंच बना दिए हैं और एक एक बंच को इसके अंदर प्लेस कर दिया है। अब बस इसे कनेक्ट करना है और इसका इफेक्ट देखना है। और हाँ, सामने की तरफ मैंने यहाँ पे ब्राउन चार्ट पेपर से फ्रेम्स भी लगा दिए हैं, विच वॉज अ गुड डिसीजन, जिसकी वजह से अब ये काफ़ी ज़्यादा नीट लग रहा है, क्लीन लग रहा है, काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है। तो हमारा क्रिसमस क्रिब शैडो बॉक्स एकदम तैयार है। कनेक्ट करते हैं, लाइट्स को डिम करते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं। लेट्स डू इट। कैसा लगा गाइज हमारा क्रिसमस क्रिब शैडो बॉक्स? इंटरेस्टिंग राइट? और काफ़ी सिंपल है, ऑनेस्टली गाइज काफ़ी सिंपल है। टेक्निक जो है बहुत ही ईजी है। अगर आप लोग को ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप कोई सिंपल डिज़ाइन बना के देखिए। एक बार टेक्निक को परफेक्ट कर लेंगे तो आप ऐसे ही इंट्रिकेट डिटेल्ड सीन्स आसानी से बना सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए हमने सिर्फ पेपर और कार्डबोर्ड यूज़ किया है, जो कि आसानी से आपको घर पर मिल जाएगा। मैं ज़्यादातर यही कोशिश करता हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाऊँ जिसमें मटेरियल्स जो हैं वो आपको आसानी से घर पर मिल जाएँ। स्पेशली अभी जब लॉकडाउन चल रहा है तो ज़्यादा लोग बाहर नहीं जा सकते, जैसे कि क्रिप बनाने के लिए हे लगता है, स्टिक्स लगते हैं, फिगरीन्स लगते हैं, तो वो सब अभी आप जाके नहीं खरीद सकते हैं। तो ये आप पेपर और कार्डबोर्ड से घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक दे देना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अभी तक नहीं किया है तो फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए। और अगर ट्राई कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो पिक्चर्स क्लिक करना और मेरे साथ शेयर करना। ये रहे मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल्स, यहाँ पे आप मुझे टैग करेंगे तो मैं भी देख लूँगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मे अ वेरी वेरी मेरी क्रिसमस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अपने घर पर रहिए, अपनी फैमिलीज के साथ रहिए और सेलिब्रेट कीजिए। इट्स अ सीजन ऑफ जॉय, इट्स अ सीजन ऑफ गिविंग। गिफ्ट्स लेना तो सबको पसंद है, गिफ्ट्स दीजिए, खुशी आप बांटिए, स्माइल्स बांटिए, मेक एवरीवन हैप्पी। चलिए आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्दी। एंड में लाइक आई ऑलवेज से, डू गुड एंड बी गुड। पीस।